राजस्थान के अंदर मोस्टली हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकराज संगठन का काम है जी। वैसे आंशिक रूप से हर जगह, परंतु मोस्टली लार्ज स्केल पर जो काम है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जी। और हनुमानगढ़ जिला जो है वो किसानों का बाहुल्य है जी, किसान बाहुल्य। वहाँ किसानों के सामने पानी की समस्या, चाहे वो इंदिरा गांधी नहर है, डैम भरे हुए हैं जी, परंतु उसके बावजूद भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का, तीन स्टेटों का पानी इंदिरा गांधी नहर से वितरित होता है, बंटवारा है अलग अलग अनुपात में, परंतु स्टेट जो है वो आपस में किसानों को लड़ाने के लिए कभी जो है वो हरियाणा के किसान को पूरा पानी नहीं देती, तो कभी पंजाब के किसान को पानी नहीं देती, और राजस्थान अंतिम छोर पर होने के कारण राजस्थान का पूरा हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंदिरा गांधी नहर का पानी लगता है, भाखड़ा का पानी लगता है, गंग कैनाल का पानी लगता है। इन तीनों के अंदर किसानों को हर वक्त जागरूक रहना पड़ता है, संघर्ष के मैदान में रहना पड़ता है, और वहाँ लोकराज संगठन जो है वो अग्रिम भूमिका के रूप में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है, जिसकी वजह से आज हनुमानगढ़ के अंदर आप जाओगे तो लोकराज किसी के परिचय देने का मोहताज नहीं। लोकराज नाम से लोग समझ जाते हैं कि ये किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं हो तो लोग आके लोकराज के कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि आप कोई संघर्ष करो, यहाँ डॉक्टर नहीं है। कहीं स्कूल में टीचर नहीं है तो लोग आके कहते हैं कि यहाँ जो है वो अध्यापक नहीं है। जैसे शासनी जैसे वहाँ लोकराज का उदाहरण देते हैं कि आप क्या करते हो, हमारे अध्यापक ही नहीं है। लोगों को समझाते हैं, उनको साथ लेके कहीं तालाबंदी में साथ होते हैं स्कूलों के अंदर, वहाँ जो है प्रशासन आ जाता है, एक दो अध्यापक की व्यवस्था करवा के ही रहते हैं। अस्पताल के अंदर अगर जाते हैं, संघर्ष करते हैं, तो कुछ न कुछ प्राप्त करके ही रहते हैं। तो ऐसी अंदाज में जो है वो लोकराज संगठन काम कर रहा है। अगर आप पार्टियों का मोह भंग करके जी मेरे और तेरे से ऊपर उठकर जी, ये हमारा है, ये आपका है, इससे ऊपर उठकर जी समाज के सरोकार से, समाज से जुड़े हुए जी ज्वलंत मुद्दों को उठाएंगे जी, तो मेरा ये अनुभव है कि सब लोग जो हैं वो कारवां जुड़ता जाएगा और संघर्ष आगे बढ़ता जाएगा और लोकराज जो है वो छा जाएगा।